हेलो दोस्तों, 91 मोबाइल्स में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में है, जहाँ पे हम टेक्नो के बूथ पे आए हैं। एंड आई एम गोइंग टू शो यू सम रियली इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक बहुत ही फ्रेंडली दोस्त वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन शुरू करते हैं टेक्नो के ये कॉन्सेप्ट फ़ोन से। हमने काफ़ी सारे रोलेबल फ़ोन्स देखे हैं और ये टेक्नो का रोलेबल फ़ोन है, और मैं इसे अनरोल करके आपको दिखाई देता हूँ एक बार। तो इस फ़ोन की अगर मैं कुछ खास बात आपको बताऊँ तो वो ये है कि यहाँ पे आपको सामने एक 6.5 इंच का डिस्प्ले अभी आपको देखने को मिल रहा है, और बस एक बटन दबाते ही इसका जो फ़ोन है, जो डिस्प्ले है, ये रोल हो के बाहर आ जाता है और ये एक 7.11 इंच का डिस्प्ले हो जाता है। और इस रोलेबल की अगर मैं एक ख़ास चीज़ आपको बताऊँ तो वो ये है कि ये जो इसका रोल है वो सिर्फ 1.3 सेकंड्स में खुल जाता है, और बटन को दोबारा दबा दो तो ये एक वापस से 6.5 इंच का डिस्प्ले बन जाता है। और इसका जो बैक है काफ़ी प्रीमियम फीलिंग है, ग्लास का है, एल्यूमिनियम का फ्रेम है। और टेक्नो मुझे बताता है कि ये जो फ़ोन है आप इसको 50,000 टाइम्स तक ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। एंड आई नो यू गाइज वॉन्ट मी टू ट्राई दैट, बट मैं यहाँ पर वो नहीं करने वाला हूँ। वी विल वेट फॉर दिस कॉन्सेप्ट टू बिकम अ रियलिटी बिफोर वी ट्राई दैट। और हाँ, यहाँ पर इन्होंने कैमरा स्टैक पीछे ज़रूर दिया है और एक सेकेंडरी डिस्प्ले है यहाँ पे। ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट फ़ोन है, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले में कुछ अभी फीचर्स इन्होंने ऐसा शोकेस नहीं किए हैं, लेकिन द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, बिकॉज इसमें आपका चेहरा देके सेल्फी क्लिक कर सकते हो। इन केस यू वांट टू यूज़ द बैक कैमरा, यू कैन यूज़ इट फॉर सर्टेन नोटिफिकेशंस। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सेकेंडरी डिस्प्ले आर ऑल्सो एंडलेस। बट जो सबसे खास बात है वो फ्रंट डिस्प्ले की है, जो एक 2K AMOLED डिस्प्ले है। और जैसा कि मैं दोबारा आपको दिखाना चाहता हूँ, 6.5 इंच का डिस्प्ले है अभी, और बस एक बटन दबाते ही इन 1.3 सेकंड्स ये एक 7.11 डिस्प्ले हो जाता है। एंड आई थिंक दैट्स रियली कूल। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया कूल गेमिंग टेक्नोलॉजी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, विच इज़ ग्रेट फॉर पीपल लाइक मी हु वेयर ग्लासेस बट वॉन्ट अ मोर इमर्सिव एक्सपीरियंस। तो क्या है ये, चलिए हम देखते हैं टेक्नो के AR ग्लासेस नेक्स्ट। देखिए, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ समथिंग वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। हाँ, जाहिर से बात है कि VR एंड AR ग्लासेस बहुत सारे हैं, लेकिन हाउ अबाउट एन AR ग्लास या VR ग्लास दैट इज़ एक्चुअली कनेक्टेड टू अ PC जो बैटरी बैकअप पे चलता है। जी हाँ, ये है ग्लासेस, और ये एक फुल फ्लेज्ड PC है जो एक कंट्रोलर के अंदर है विथ बैटरी बैकअप। तो अगर मैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको बता दूँ, दिस इज़ रनिंग ऑन एन AMD Ryzen 7840HS प्रोसेसर। इसमें 16 GB ऑफ DDR5X RAM है और 1 TB ऑफ स्टोरेज है, और इस पे मैं खेलने वाला हूँ Cyberpunk 2077। और जी हाँ, अब तो यहाँ पे डेमो में ये कनेक्टेड है, लेकिन ये एक बैटरी बैकअप पे चलता है जहाँ पे आपको कुछ घंटों की बैटरी बैकअप मिल सकती है। तो अगर आप एक प्लेन में हो, ट्रेन में हो, या कहीं पे जा रहे हो और आपको एक पर्सनलाइज्ड इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो आप इन AR ग्लासेस से ले सकते हो। इस पे एक 2K डिस्प्ले है जो कि बहुत ही क्रिस्प है। और अगर मैं आपको मेरी फेवरेट फीचर इसके बारे में बता दूँ, वो ये दो डायल्स है, क्योंकि इन डायल्स के ज़रिए मैं अपने चश्मे उतार के इंडिविजुअल आईज़ को एडजस्ट कर सकता हूँ फॉर द बेस्ट पॉसिबल फोकस। तो जी हाँ, मेरे दोनों आईज़ के नंबर अलग अलग है, और मैं उन्हें इन दो डायल्स के ज़रिए परफेक्ट कर सकता हूँ। सो आई गेट एन इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस विदाउट एक्चुअली वेयरिंग माई ओन ग्लासेस। तो ये डेमो तो आपके लिए, मतलब मेरे लिए तो बहुत कूल था। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एज वेल, क्योंकि मैं अब जाके थोड़ा Cyberpunk 77 खेलने वाला हूँ यहाँ पे विथ सम ऑडियो ऑल्सो जो ग्लासेस के जरिए आता है, विच गिव्स यू क्वाइट एन इमर्सिव एक्सपीरियंस। तो मैंने बस अभी ये पॉकेट गो को काफ़ी टाइम के लिए एक्सपीरियंस किया, और मैं अपने थोड़े से फर्स्ट इंप्रेशंस फीलर्स देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे तो कूल बात यह है कि मैंने तो इसको पावर से डिस्कनेक्ट कर दिया और ये बैटरी पे चल रहा था, और एक्सपीरियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। द कंट्रोलर ऑल्सो आपके हाथों में एक बहुत परफेक्ट फिट आता है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, कंसिडरिंग इसका जो भी प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, बैटरी सब कंट्रोलर के अंदर ही है। इट्स स्टिल अ वेरी गुड एंड अर्गोनॉमिक फीलिंग थिंग। और हाँ, वाइब्रेशंस भी है, तो आपको एक काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। एंड प्लेइंग फॉर अबाउट 20 मिनट्स विदाउट माई ग्लासेज
उसका जो फोकस एडजस्टमेंट था वो काफ़ी ऑन पॉइंट था। और हाँ, हम एक इवेंट पे है तो काफ़ी सारा शोर होता है यहाँ पे, बट स्टिल आई कुड हियर दी ऑडियो क्वाइट वेल इन द स्पीकर्स। और अगर आपको एक और प्राइवेट एक्सपीरियंस चाहिए तो एक हेडफोन जैक भी है। और इसकी एक बहुत अच्छी खास बात यह कि अगर आप ऑन द गो इसको यूज़ कर रहे हो तो आप इसके बैटरी को भी एक्सेस कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ इनपुट लेटेंसी वगैरह, देखिए हम साइबरपंक खेल रहे थे, इट इज़ अ फर्स्ट पर्सन एक्शन गेम, और मुझे ऐसा सच लेटेंसी कुछ नहीं लगा। इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। और हाँ, अगर आपके घर में एक लेजी बॉय है या सिंपल गेमिंग चेयर है, आप इसको लेके कहीं पे भी बैठ के एक पर्सनलाइज इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड नाउ फॉर द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू शो यू फ्रॉम द टेक्नो बूथ, वेल ये काफ़ी क्यूट चीज़ है, तो आप इस क्यूट चीज़ को ज़रूर देखिए। वेल, मुझे इसे हाई फाइव करना सिखाना नहीं पड़ा, बिकॉज दिस इज़ टेक्नोज रोबोटिक डॉग, जो कि बहुत ही क्यूट है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। इसे आप आपके स्मार्टफोन के साथ कंट्रोल कर सकते हो, इसे आप एक रिमोट कंट्रोल के साथ कंट्रोल कर सकते हो, और इसे आप अपनी वॉइस के साथ भी कंट्रोल कर सकते हो। और जैसा कि आप देख रहे हो, ही कैन डू अ फ्यू ट्रिक्स, जैसे ये जंप करता है, हाई फाइव दे देता है, और बहुत ही क्यूट है। और हाँ, इसे आपको घुमाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑलमोस्ट एक घंटा इसका बैटरी को लगता है चार्ज होने के लिए, और अबाउट 90 मिनट्स के लिए ये चलता है। एंड लाइक आई सेड, इसको आप रिमोट कंट्रोल के साथ कंट्रोल कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे सेंसर्स है और काफ़ी सारी यूनिक टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से ये इतना एजाइल है, इतनी अच्छे से मूव कर सकता है, काफ़ी सारे सेंसर्स है। और हाँ, इसमें कैमराज भी है, तो अगर आपको पता करना है कि दूसरे कमरे में क्या चल रहा है, अगर आप घर से बाहर हो और आपको चेक करना है कि क्या चल रहा है, तो आप इसके कैमराज के जरिए यू कैन चेक ऑन थिंग्स एज वेल। वेल, ये तो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बट आई थिंक इट्स अ वेरी क्यूट कॉन्सेप्ट। और जैसा कि मैंने कहा था शुरुआत में, दिस वॉज द क्यूट कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट के लिए रखा था। एंड एज ऑलवेज, अगर आपको MWC जैसे इवेंट के बारे में या और कोई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वी विल कैच यू इन अनदर वीडियो। इट्स गुड बाय फॉर नाउ।